नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विंटेज ऑडियो एंड वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी नया लॉट आ गया है। जैसा कि कल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपसे डेली आज से वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, तो आप भी मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। जब पहले ही शुरू के 15 रिकॉर्ड में आपको दिखाता हूँ जो सेल के लिए अवेलेबल है। जिस तरह की क्वालिटी में पहले LP आए थे, ये भी सेम उसी तरीके से हैं। ये देखिए, ये है मूवी तेरी कसम का, आर डी बर्मन का इसमें म्यूज़िक है। और पहला गाना इसमें है साइड वन का, क्या हुआ एक बात पर बरसों का याराना गया, अमित कुमार। अगला है दिल की बात कहीं लप पे ना आ जाए, अमित कुमार। अगला है गीत वो है हाँ जी हाँ गीत वो है, अमित कुमार जी के द्वारा। और ये साइड टू का पहला गाना है ये, हम जिस रास्ते पे चले और मेरे गीतों में मेरी कहानियां हैं, अमित कुमार। और यह ये जमी गा रही है, आसपास गा रहा है। रिकॉर्ड साफ़ सुथरा है एकदम, ये धूल लगी हुई है और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन LP है ये। अभी अगला आया, ये मैंने इस पर लिख दिया है हाथ से, ये कि बीच का हिस्सा ही ख़राब हो गया था। मोहम्मद रफ़ी हिट्स हैं इसके अंदर। अब गाने कौन कौन से, ये तो सुनने के बाद ही पता पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ है गाने, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है। घराना मूवी का गाना है, बरसात की रात का गाना है, और तेरी मेरी यारी ये ससुराल मूवी का गाना है। इस तरह के तो मोहम्मद रफ़ी के सारे हिट सॉन्ग हैं इसके अंदर। अब ये आया अगला LP, ये है आरजू मूवी का गाना है, आरजू मूवी का LP है। इसके अंदर गाने का जो डिटेल है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये हिस्सा जो है ख़राब हो चुका है और ये हिस्सा भी जो है ख़राब है। तो फिलहाल ये आरजू मूवी का LP है, सब साफ सुथरे LP, मैंने इनको बजा के देखा हुआ है, कहीं कोई कैसा भी डिस्टर्बेंस नहीं है इनके अंदर। अभी आया एनचेंटिंग आवर्स विद आशा भोसले, इसमें ये है चैन से हमको कभी प्राण जाए पर वचन न जाए, और एक कली हूँ मैं पिया पिया आ संबंध मूवी का, और जा रे परवाने जा दो बूंद पानी, और सूनी सूनी सांस के सितार पर लाल पत्थर, सजना है मुझे सौदागर, मैं जब भी अकेली होती हूँ। ये क्या मूवी का नाम है, धर्मपुत्र। और वो हंसी पता नहीं क्या लिखा हुआ, बस थोड़ा ये यहाँ से साफ नहीं है। मूवी का नाम भी समझ में नहीं आ रहा, बी बज लर पता नहीं क्या मूवी का नाम है। और ये प्यार भी आएगी, समाधि मूवी का गाना ऐसी ये है। इस पर ये सुन ले पुकार फूल और पत्थर, दुनिया में मोहब्बत प्यार किया तो डरना क्या, छोटा सा बलमा रागिनी ये रंगीन महफिल, शिकारी मूवी का। वो हसीन दर्द दे दो हमसाया, रात रात भर जाग जाग कर प्यार का सागर, सावन बन गए नैन। ये है करोड़पति मूवी का गाना। और हाथों को चोरी चोरी, ये है मोहब्बत जिंदगी है, ये गाने हैं सब। ये LP आशा भोसले जी के उसमें आवाज़ में। अगला जो आया ये है मूवी मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसमें है ये खिड़की जो बंद रहती है, मोहम्मद रफ़ी। सैया रूठ गए शोभा गुरतू, और न थानी जो डाली अनुराधा एंड हेमलता। दूसरी तरफ ये गाने हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैंने तेरा क्या, ये थोड़ा फटा हुआ है नहीं बता सकता मैं इसमें, मत रो बहना लता मंगेशकर, तीनों गाने हैं। फिर है छाप तिलक अमीर खुसरो का, लता मंगेशकर और आशा भोसले, साफ सुथरा LP है। अभी आया मूवी लव स्टोरी, आर डी बर्मन का इसमें म्यूजिक है। ये गाना है देखो मैंने देखा एक सपना,
और तेरी याद आ रही है अमित कुमार, एक लड़की जरा सी दीवानी लगती है आशा भोसले अमित कुमार, और फिर ये है याद आ रही है आशा भोसले, और क्या गजब करते हो जी आशा भोसले, ये गाने साथ दो ही गाने तीन गाने हैं इसमें, और तीसरा गाना क्या है कैसा तेरा प्यार। अभी आया रोटी मूवी का, ये डायलॉग्स विद मूवी है, पहला गाना ये पब्लिक है सब जानती है गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, दूसरा तीसरा है यार हमारी बात सुनो किशोर कुमार, और ये इसका बैक साइड है, ये डस्ट लगी हुई है, मैंने बजा के देखा कहीं कोई कैसा भी डिस्टरबेंस नहीं है, पूरा एलपी मैंने बजाया हुआ है ये, विद ओरिजिनल डायलॉग्स टाइटल म्यूजिक डायलॉग्स फूलों का साथ लता मंगेशकर के द्वारा, अगला है नाच मेरी बुलबुल किशोर कुमार जी के द्वारा। अभी आया था ये लीडर मूवी का गाना है, ये इससे ख़राब हो गया था तो मैंने इसको सुना है, सुन के फिर मैंने इसको नाम दिया है मूवी का, अब गाने कौन कौन से नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पूरा एलपी पे गाने लिखने की इसमें कहीं जगह नहीं थी गाने लिख सकूँ, लेकिन लीडर मूवी का है दिलीप कुमार की जो है। अब ये आया साहब फिल्म एक फूल दो माली, पर्दा हटा दो आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी, अगला है ओ नन्हे से फरिश्ते मोहम्मद रफ़ी, अगला है तुझे सूरज कहूँ या चंदा मन्ना डे, अगला है किस्मत के खेल निराले रवि, फिर अगला आया ये नहीं बता सकता साहब क्या है ये गाने का नाम, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, अगला गाना है सजना सजना ओ सजना आशा भोसले कोरस, अगला है सैया ले गए जिया आशा भोसले, अगला है चल चल रे नौजवान पैरोडी है ये आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, रिकॉर्ड साफ सुथरा है साहब। अगला जो आया ये आया काजल मूवी का छू लेने दो मोहम्मद रफ़ी जी के द्वारा, अगला है आपके पास मोहम्मद महेंद्र कपूर, अगला है मेरा भैया आशा भोसले, फिर आया अगर मुझे ना मिले तुम आशा भोसले महेंद्र कपूर, अगला है महफिल में तेरी आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी, अगला है चुन 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 घुंगरू बोले आशा भोसले, फिर आया दूसरी साइड तोरा मन दर्पण आशा भोसले, फिर है मुद्दत की तमन्नाओं का सिलसिला महेंद्र कपूर, अगला है समझती कि ये घर मेरा है समझती की के घर मेरा है आशा भोसले, अगला है ये जुल्फ अगर मोहम्मद रफ़ी, अगला है जरासी और पिला दो मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले, साफ सुथरा एल पी है साहब ओडियन का है। अब ये आया दिल दिया दर्द लिया साइड उनका पहला गाना दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में मोहम्मद रफ़ी, अगला है फिर तेरी कहानी याद आई लता मंगेशकर, अगला है गुजरा हुआ आज इश्क में हम कोई सागर दिल को बहलाता नहीं कोई सागर मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए हुए दोनों गाने हैं। ये पीछे आइए ये है दिल हारने वाले और भी आशा भोसले, ये है क्या रंग महफिल में लता मंगेशकर, अगला है हाय हाय रसिया तू बड़ा बेदर्दी आशा भोसले, फिर है सावन आया या ना आए आशा भोसले के द्वारा गाया हुआ गाना है, ये निशान पड़े हैं लेकिन ये स्क्रैच नहीं है। अगला एलपी दिखाता हूँ साहब, ये है फिल्म अमानत दूर रहकर मोहम्मद रफ़ी, साइकिल पे हसीनों की टोली मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले मन्ना डे कोरस, अगला है भुस भर दिया मन्ना डे, फिर दूसरा है साइड वन का पहला गाना है तेरी जवानी तपता महीना और मतलब निकल गया मोहम्मद रफ़ी के द्वारा, अगला है बुझे बुझे रंग आशा भोसले के द्वारा, अगला ये है आशा भोसले जी के द्वारा। अभी अगला एलपी दिखाता हूँ आपको साहब, ये है फिल्म मन मंदिर, ये पहला है ओ मेरी आंखों के पहले सपने सैड वर्जन है ये मुकेश और लता के द्वारा, फिर है जादूगर तेरा नैना तेरे नैना किशोर कुमार लता मंगेशकर के द्वारा, फिर है आजा आजा किशोर कुमार और आशा भोसले जी के द्वारा। ये साइड टू का पहला गाना है मुन्ना जाएगा बाजार सुमन कल्याणपुर, फिर है कहिए जी क्या लोगे आशा भोसले, फिर है आए ए मेरी आंखों के पहले सपने हैप्पी वर्जन है ये, साफ सुथरा एल पी है साहब एकदम, कहीं कोई इशू नहीं इसमें कैसा भी। अभी अगला दिखाता हूँ ये है साहब मूवी गमन का, ये है साहब मूवी गमन में से गाने हैं आज साइड वन साइड टू है ये साइड वन दिखाता हूँ ये।
साइड उनका पहला गाना है आजा सांवरिया तोहे गरबा लगा लूं, भैरवी हीरा देवी मिश्रा जी के द्वारा, राग भैरवी है शायद, आपकी याद आती रही रात भर गजल है ये लता मंगेशकर और मुहिउद्दीन छाया गांगुली जी के द्वारा गाया हुआ है ये। फिर साइड टू का पहला गाना अजीब सानेहा, अजीब सानेहा गजल है ये हरिहरन जी के द्वारा। फिर है सीने में जलन गजल है सुरेश वाडेकर जी के द्वारा। अगला है नौशा अमीरों नशा नौशा अमीरों का बानरा, हीरा देवी मिश्रा और साथ में कोरस। ये भी साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन LP है। अभी आज का आखिरी LP ये है साहब लिंगरिंग मेमोरीज विद मोहम्मद रफ़ी। ये साइड टू है। साइड वन के अंदर के अंदर गाने तो साहब मैं नहीं बता सकता कौन से हैं। साइड टू के जो गाने हैं वो ये हैं जाग दिले दीवाना ऊंचे लोग मूवी का, फिर है आई बहारों की शाम वापस मूवी का, फिर है मेरा प्यार में तुझे क्या मिला सुहागन, फिर है आदम का लहू तू ही मेरी जिंदगी, अगला है लिखे जो खत तुझे कन्यादान, फिर है तू कहाँ ये बता तेरे घर के सामने। पीछे के गाने साहब पता नहीं क्या हैं, आप कहेंगे तो टेस्ट प्ले करके आपको बता दूंगा। तो ये हैं साहब आज के LP जो सेल पे अवेलेबल हैं। तो जो सज्जन भी इनको लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करें या व्हाट्सएप कर दें। प्राइस रेंज वही रहने वाला है 250 रुपये से लेके 500 के बीच में, मिनिमम 250 मैक्सिमम 500। और इसके अलावा आप को मैं वही कहना चाहूँगा जो चलते हमेशा कहता हूँ कि आपके पास किसी भी तरह का कोई पुराना सिस्टम है जो रिपेयर होने में आपको दिक्कत आ रही है और कहीं रिपेयर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक बार आप मुझसे संपर्क करें वो रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह के विंटेज ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई स्पेयर चाहिए उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपको वो भेज सकता हूँ अगर आपकी डिमांड है तो। कल वीडियो आशा करता हूँ आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कल मैं फिर आपके साथ सामने आऊँगा कुछ नए LPs के साथ ठीक शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।